मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसानों का समर्थन कर रही कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है और कांग्रेस पार्टी ने किसान बिल वापसी को लेकर नारे लगाते दिखे। ऐसा ही एक धरना प्रदर्शन जैतपुर के भटिया तिराहे पर देखने को मिला, जहां किसानों का समर्थन कर रही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। किसानों का आंदोलन दिल्ली से शुरुआत हुई धरना प्रदर्शन की जगह जगह के लोग किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के लगभग कई जिलों में जहां यह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां किसानों की मांग लगातार जारी है, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। ऐसा ही एक नजारा जैतपुर भटिया तिराहे पर देखने को मिला, जहां कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने रोड पर बैठकर किसान बिल वापस करने की मांग की और पूरा रोड जाम कर दिया, न ही किसी वाहन को आने जाने दिया। वही मौके पर 3 थाना प्रभारी जैतपुर, सिंहपुर और दर्शिला चौकी प्रभारी पुलिस बल धरना प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने जब किसानों से गाड़ियों को आने जाने की बात की तो किसानों ने साफ इनकार कर दिया धरना प्रदर्शन से उठने की। उन्होंने कहा, हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं किसानों का समर्थन करने वाली कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता श्रीराम मिश्रा ब्लॉक उपाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी मनोज सिंह ब्लॉक महामंत्री, राजेंद्र सिंह ब्लॉक अध्यक्ष, शेष नारायण सिंह केशवाही ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, प्रमोद सिंह मंडलम कांग्रेस अध्यक्ष व उमा ध्रुवे, इन सभी ने जोरों शोरों से धरना प्रदर्शन को जारी रखा, पर इस प्रदर्शन से आम जनता परेशान होती थी। बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीराम मिश्रा, ब्लॉक उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। अच्छा, आज आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं रोड में? हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, जो काला कानून मोदी सरकार बनाया है, किसानों को क्या पूरे देश को बेच रहे हैं, ये जो इनके कानून है किसानों के विरोध में है, इसलिए हम वो कहते हैं अपने काले कानून वापस ले लीजिए और किसानों के हित में काम करिए। अच्छा, कब से बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग यहाँ 12 बजे से बैठे हैं। 12 बजे से बैठे हैं, हाँ। कब तक अभी बैठने का? 3 बजे तक हम बैठेंगे। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम फिर अनवरा पेंशन भी बैठे। अभी किस जगह पे आप लोग बैठे हुए? हमें भटिया में बैठे हैं, तिराहे में, भटिया तिराहे पे। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, काला कानून जो शासन ने अभी दिया हुआ है, इस पे किसानों क्या दिक्कतें हो रही हैं? किसानों की दिक्कत हो कि किसान अपना खेती करेगा उसका मूल्य कोई दूसरा तय करेगा। किसान अपने स्वयं का मालिक, अपने मेहनत खून पसीना के पैसा, वो अपने सामान, वो मेहनत पसीने से जो कमा रहा है उसको अपनी रेट निर्धारित करेगा। हम खेती करेंगे, मोदी रेट तय करे, ये गलत नीति है। अपने यहाँ कोई ऐसे किसान हैं जो सबसे ज्यादा परेशान हो? हम ही हैं, हम स्वयं किसान हैं, पार्टी में से हम जुड़े हैं, बाकी हम जितने यहाँ सब हम लोग किसान हैं। हाँ, हमारा मेन धंधा किसानी है। क्या नाम है आपका? श्री राम मिश्रा। किस में है आप? ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का।